रूस यूक्रेन के बीच की जंग के 19वें दिन चौथी बार होगी सुलह के लिए बड़ी बैठक। रूस यूक्रेन के बीच की जंग का आज 19वां दिन है। दोनों देशों के बीच सुलह का कोई रास्ता निकलता दिख नहीं रहा है। इस बीच खबर यह है कि रूस और यूक्रेन के बीच चौथे दौर की बातचीत आज हो सकती है। इस बीच रूस की ओर ये यूक्रेन पर हमला और भी ज़्यादा तेज कर दिए गए हैं। यूक्रेन के 24 शहरों को निशाना बनाया जा रहा है, जिसमें से 19 में तो रेड अलर्ट जारी कर दिया है। यहाँ रूस लगातार बम बरसा रहा है। जर्मनी की मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनी बेयर ने रूस में विज्ञापन और निवेश को समाप्त कर दिया है। कंपनी ने आज एक बयान में कहा है कि यूक्रेन पर रूस के हमले की प्रतिक्रिया में बेयर रूस और फार्मास्यूटिकल्स में काफ़ी खर्चा रोकती है, जिनका संबंध स्वास्थ्य व कृषि में आवश्यक उत्पादों की आपूर्ति से नहीं है।